आम चुनाव आम आदमी के लिए एक नई रोशनी लेकर आता है। फिर एक बार 2019 का चुनाव होने जा रहा है, देश की जनता अपने मुखिया को चुनने का काम करेगी। तमाम बातों के साथ 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता हासिल की। अब एक बार फिर वो 2019 को जीतने के लिए आगरा की रणभूमि में 9 जनवरी को आने जा रहे हैं। हम आगरा की जनता से बात करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री ने आगरा को क्या दिया और आगरा की जनता प्रधानमंत्री से क्या चाहती है। आइए बात करते हैं कई ऐसे शख्सों से जो बताएंगे कि वो प्रधानमंत्री से क्या चाहते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मैं अनुप अग्रवाल भैया जी। कहाँ रहते हो? मैं लो मंडी आया हूँ। आगरा के रहने वाले हो? ये की हाँ, कोपर है जी। 9 तारीख को प्रधानमंत्री आगरा आ रहे हैं, क्या चाहते हैं आप उनसे? भाई आ रहे हैं वो आते नेता तो आते हैं, हाँ प्रधानमंत्री आते हैं तो थोड़ी आगरे समस्या तो पानी की है, हमारे यहाँ आगरे में एक गंदगी है। हाँ। तो आते हैं आए प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री आएंगे उस समय तो समस्या खत्म हो जाएगी, पानी की गंदगी उस समय हो जाएगी दूर। उसके बाद फिर हमें जाम से जूझना पड़ेगा, जाम तो जूझना पड़ेगा। हाँ विमल कुमार जी, आगरा ही निवासी हैं जी। 9 तारीख को 9 जनवरी को प्रधानमंत्री आगरा आ रहे हैं, क्या चाहते हैं उनसे, क्या कहना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं उनके लिए सभी लोग जाएं वहाँ, उनको सुनने के लिए और बताएं आपका कैसा राज्य चल रहा है। और मैं समझता हूँ उनका बहुत अच्छा राज्य चल रहा है। और इसी तरह से विशेष तौर से आप आगरा के लिए क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से कहना, ये उन्होंने पहले वायदा किया था मेट्रो चलनी चाहिए, वो आज तक उसका अता पता कुछ नहीं है। चाहता कि मेट्रो चल जाए, कुछ आराम मिलेगा, लेकिन वो कोई काम नहीं हुआ, सब ठप पड़ा हुआ। तो आगरा के लिए कुछ अभी तक जो अभी पूरे 5 साल होने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कुछ आगरा को दे दिया है? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। हमारे साथ एक ऐसा शख्स जुड़ा है जो रोज रेडी लगाता है, रोज कमाता है, रोज खाता है। हम उससे जानना चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री से क्या चाहता है। क्या करते हो चाचा? हम बेचते हैं, चने बेचते हैं, रोज यही काम करते हैं। कमा लेते हो? वही 3,500-3,500। प्रधानमंत्री आगरा आ रहे हैं 9 जनवरी को, क्या कहना चाहेंगे उससे? हम क्या कहना चाहेंगे, हम तो वही काम करेंगे जो कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने आप लोगों ने कुछ किया है? कुछ नहीं करते, वो तो अपने अपना अपना पेट भरते हैं, सभी अपना अपना पेट भरते हैं, हमें तो वही करने पड़ेगा जो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भले के लिए क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? हम क्या कुछ नहीं कहना, वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगे हम तो। देश के हालातों के बारे में तो ये है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और युवाओं के लिए भी अच्छा कर रहे हैं, महिलाओं के लिए भी अच्छा कर रहे हैं, और समाज का हर एक तबके के लिए मतलब उनका अप्रोच है। और अपनी ओर से तो हम, मेरा जहाँ तक पर्सनल ज्ञान है, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। आगरा के लिए क्या किया है? आगरा के लिए कुछ ऐसी कल्याणकारी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे अपने आगरा के जो बेरोजगारों के लिए बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी की समस्या है, इस ओर प्रधानमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। हम गरीबों के लिए क्या सहायता, टूटे फूटे मकान में रह रहे, दुनिया को पैसा मिल रहा है या पैसा भी नहीं मिल रहा, समझे? हाँ मोदी जी, हम क्या कहते हैं, क्या मोदी जी करा, बड़ा अच्छा क्या कर रहे हैं मोदी गरीबों के लिए, क्या करा? कुछ भी नहीं करा, क्या करा? न शौचालय बनवाई, न क्या नाम है, टूटे फूटों को कुछ पैसा देला, कोई सुनाई नहीं, ये कार्रवाई करो वो कार्रवाई करो, भागते भागते जिस दिन होगा कोई याद नहीं लगे। अच्छा हाँ, क्या कहेंगे उनसे? यही कहेंगे भैया सुविधा तो करो, जब भी तो वोट लोगे। हमारे साथ भाजपा के कार्यकर्ता भी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि 9 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनसे ये क्या कहना चाहते हैं? जी भैया, क्या कहना चाहते हो, प्रधानमंत्री 9 तारीख को आ रहे हैं? 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, जो आगरा में विभिन्न जो 2 साल पहले जो रैली में उन्होंने घोषणाएं की थी, उनके कई योजनाओं को पूरा हो चुका है, जैसे गंगाजल प्रोजेक्ट है आगरा में जो जिसका उद्घाटन करने मोदी जी आए। आप कहते वायदे किए थे कि हम हवाई अड्डा लाएंगे, हम आपको क्या कहते हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स देंगे, एजुकेशन बढ़ाएंगे, तो उनमें से कोई मेट्रो चलाएंगे, तो उनमें से कोई मेट्रो का प्रोजेक्ट चालू है, प्रोजेक्ट पर DPR लग चुका है, जो कि अगले वर्ष इसी वर्ष मई में आप मेट्रो का कार्य देख सकेंगे आगरा शहर में। और इसके साथ साथ स्मार्ट सिटी की जो योजना है वो चालू हो चुकी है। 9 तारीख को 9 जनवरी को मोदी जी आगरा आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हो उनसे? हम तो उनसे यही कहना चाहते हैं कि आगरे के लिए ना कोई विकास हुआ ना हो पा रहा है, अगर वो आए तो कोई विकास करके जाए तो ठीक है, नहीं तो बेकार, नहीं तो इससे आई नहीं तो बढ़िया है।
9 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगरा आ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे उनसे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर वो आ रहे हैं तो सब चीज़ देखें और हर चीज़ को पहचाने कि यहाँ पर क्या दिक्कत चल रही है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो आगे बढ़े कि मदद करें सबों की। जो सब लोग कहते आ रहे हैं वो कुछ नहीं करते कुछ नहीं करते, पर हमें देखना कि वो कितना कुछ करते हैं। ऐसे युवा आपसे बात करें तो आप आगरा के लिए ऐसा क्या काम चाहोगे जिससे पूरे पूरे आगरा की जनता का भला हो जाए? देखो आगरा के लिए जब से सबसे पहले ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, कोई कहता है कि पेट्रोल महंगा हो गया, कोई कहता है कि ये खाने के दाम बढ़ा दिए गए हैं, पहले तो वो समझे क्यों बढ़ाए गए हैं, कैसे समझे, उसी हाथ पे वो उसी हिसाब से बात करें। ये नहीं कि आप बेफजूल में कुछ भी कहते हैं, पर मैं कहूँगा वोट फॉर मोदी। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, लेकिन आगरा के लिए कुछ ऐसा मांग आपके द्वारा? बस आगरा के हिसाब से मांग तो ये है कि वो आगरा सही रहे, जो सड़क वगैरह है वो सही नहीं है, वो किसी किसी जगह ऐसी है कि उनके हालात बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं, हालात बहुत ज्यादा बिगड़े हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो हालात ठीक रहे। 70 साल में पहली बार तो एक प्राइम मिनिस्टर आया है, सही अपने आप करेगा जो करना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी तो खराब थे, हैं सब खराब थे जो समझो, अटल बिहारी वाजपेयी जी खराब थे। अरे वो 5 साल के लिए मौका मिला, अब इन्हें मौका आने दो। आगरा के विकास के लिए क्या चाहते हैं? चल रहा है धीरे धीरे विकास, चल रहा है सब, चल रहा है धीरे धीरे, जैसे चलेगा आगरा बहुत बड़ा है, एकदम तो सब कुछ हो नहीं जाएगा भाई। एकदम की बात नहीं करे, आप क्या चाहते हैं आगरा के विकास के? हम जैसा कुछ चल रहा है बस हम संतुष्ट हैं उससे, पानी आ ही रहा है, बस पानी की समस्या थी सबसे बड़ी, लाइट मायावती जी ने करी थी। और कुछ नहीं चाहते जनता के लिए? जनता के लिए क्या चाहेंगे, कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं, दाल रोटी मिल रही है बस, बहुत है।